Ladies and gentlemen, are you ready? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू ऑल गाइस। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। मैं 8 बजे सोकर उठ गया हूँ, नहा लिया, रेडी हो गया हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ दिल्ली घूमने के लिए। यार दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊँ, दिल्ली बहुत खूबसूरत है यार, और यहाँ पर घूमने के लिए एक से एक चीज़ें हैं। सीरियसली मज़ा आ जाएगा। अभी जस्ट मैं नहा के निकला हुआ हूँ, अब मैं थोड़ा सा आपको अपना रूम दिखाऊंगा, फिर थोड़ा होटल दिखाऊंगा, देन उसके बाद अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा व्लॉग बनाएंगे। बाय। थोड़ा भी टकराता हूँ तो ऐसी आवाज आती घंटे में। ओके, तो मैं हो गया हूँ रेडी, अब मुझे जाना है, अपने दोस्तों को उठाना है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा होटल दिखा देता हूँ। थोड़ा बहुत होटल की दी हुई चीज भी यूज करना चाहिए। चलिए मैं आप लोग को बॉडी लोशन भी लगा, अंदर भी लगा, अंदर भी लगा लेता हूँ। कटिया ऊंची रखी है ऐसा मैं ऐसे नहाता हूँ मालूम तुमको। आप लोग बोल रहे हो ये कैसा बॉडी लोशन लगा रहे ये बिड़ू। अगर जल्दी जल्दी कुछ करना हो ना तो ऐसी करते हैं हम लड़के लोग। तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ, अब इधर आइए, ये देखिए, ये बहुत अच्छा दिया लगेज रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए बहुत अच्छा। ये टपटी होगा, और ये भी देख लीजिए, ये पूरा यहाँ पर है, मुझे भी देख लीजिए, और सॉरी ये पूरा रूम है, रूम को मेरे साथ देखोगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये रूम है, बहुत प्यारा रूम है, नो डाउट, बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारा। दिल करता है तेरे पास आके तेरा हो जाऊं, रस्ते गलियों गलियों कहां तक विरू मैं दीवाना। चले गए से खाद, अब रील्स देखता हूँ, अगर अच्छा बनता है तो बना लेते हैं, वरना फिर चलते हैं। मेरे कुछ दोस्त रेडी होकर रूम में भी चले गए, मैं बच गया हूँ बस। तो ऐसे वाली रील जो है अकेले बनाऊंगा तो बहुत कम बनेगी, इसीलिए मैंने सोचा मैं जाता हूँ वहाँ से किसी पार्टनर को उठाता हूँ, उसके बाद मैं रील्स बनाता हूँ। बहुत अच्छी नहीं बन रही थी ना इसलिए। अच्छा ये रूम ये देखो यार, सच बताओ ना तो ये जो रूम है ना पूरा यार पार्टनरों के लिए है। हम पता नहीं, हम पूरे दोस्त आ तो गए यहाँ पर, मसला ही समझ में नहीं आ रहा। बिना लाइट की क्वालिटी ची नहीं आती साला। चलो इन लोगों को बाद में उठाया जाए,
तुम लोगों में छत दिखा के लाता हूँ। ये होटल जो है ना भूल भुलैया है। कल मैं अपने ही रूम ढूंढने के लिए बाप रे कितना घुमा। मॉर्निंग। देखो कितना खूबसूरत है। आप लोगों को पता है यहाँ पर स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और आप लोगों को ये पता है कि हमने बहुत मजबूरी मिली है ये होटल। ये पूल है। हमें लगा था कि यहाँ पर ना मतलब 70% तो फॉरेनर रहते जो इंडिया आते हैं दिल्ली आते हैं वो लोग रहते हैं। भागा हो भागा मेरे को यार। बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है। मैं अकेला और वो और भाई लोग पूरे लड़के। इस टाइम तो होना था कोई छमिया नहीं मतलब यहाँ बनाने के लिए। हाय हाय क्या बात है। स्विमिंग बहुत अच्छी करते हैं। अरे बेइज्जती करती हूँ। एकदम मगरमच्छ की तरह देखो ये मगरमच्छ की तरह स्विमिंग करते हैं दोस्तों। ऊपर इतनी ज्यादा धूप है ना लेकिन फिर भी मैंने कुछ कुछ रील्स बना लिए हैं। आप लोग मेरी हालत देख रहे होंगे मतलब टोटल हालत खराब हो चुकी है। बहुत ज्यादा धूप है गर्मी भी बहुत है तो मैं अब जा रहा हूँ नीचे। सीरियसली यार ये जगह कितनी प्यारी है मतलब देखो ना क्या लुक आ रहा है। देखो वाह देखो तो ये वाला व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ से बैठ कर ऐसे लेकिन ये कपल वाला होटल है लड़कों वाला बिल्कुल भी नहीं है तो लड़के मत आना कपल हो तो अभी आना। पूरा भूल भुलैया है भाई ये होटल। मैं फिर भूल गया रास्ता। एक बहुत बड़ा मसला हो गया मेरे साथ। मेरे को लगा मैं फोर्थ फ्लोर में हूँ और यहाँ सारा ऐसे नंबर दिया हुआ है ना क्या समझ में नहीं आ रहा। 02 है दरवाजे में कोई नंबर नहीं है। मैं फिफ्थ फ्लोर में आ गया मेरे को फोर्थ फ्लोर में जाना था और मैं सेम नंबर है ना दोनों फ्लोर में दरवाज़ों का ठीक है हर रूम का। थर्ड फ्लोर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इस टाइप का वैसे हर रूम का ना एक ही नंबर है हर फ्लोर में इसी टाइप का नंबर है। और मसला क्या हो गया मैं दूसरे के रूम में जाके कटकटा दिया बाहर आ जाए। मेरे साथ ना एक कांड हो गया। मैं आप लोगों को बताता नहीं ये होटल जो है वो भूल भुलैया टाइप का तो क्या है हर फ्लोर में ना एक ही टाइप के हर रूम के नंबर है और नंबर ना साइड में दिया हुआ है दरवाजे में नहीं है। तो मैं ना फोर्थ फ्लोर में जाते जाते फिफ्थ फ्लोर में चले गया। मैं दरवाज़ा खटखटाया सामने से आवाज़ आई कौन करके तो मैं समझा ये मेरे दोस्त की आवाज़ जैसे मुझे लगी तो मैंने ना वो जो देखते हैं ना मैंने वो बंद कर दिया। मैं बोला पुलिस तो बोलता कौन पुलिस और चुप हो गया एकदम से। मैं बोला यार ये डर क्यों रहा है इतना करके फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया दरवाज़ा खोलो तो फिर वहाँ से आवाज़ अरे भाई कौन हो आप। मैं बोला दरवाज़ा खोलो पुलिस अरे यार भाई फिर थोड़ी देर बाद अरे अपना नंबर देखो। मैं बोला सॉरी अरे ऐसा क्या सॉरी कहीं पर भी खुद जाओगे क्या। बोला दरवाजा खुले उससे पहले भागते नीचे आया मैं। ऐसे कांड होते ही रहते हैं सच में क्या बताऊं बाप के बाप।